गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई खबर और एक बड़ी खबर। जी हाँ बिल्कुल, सीटेट 2019 परीक्षा में जो कुछ बवाल मचा हुआ था उससे संबंधित कुछ यहाँ पर न्यूज सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 10% आरक्षण किसी को भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि कुल मिलाकर के सीटीईटी 2019 में यानी कि सीटेट की परीक्षा में आरक्षण लागू होगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। ये तो पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई भर्ती थोड़ी हो रही है जो आरक्षण मिलेगा। क्या है पूरी खबर, चलिए दिखाते हैं। मैं राजकुमार यदुवंशी, आप देख रहे हैं पीवीआर स्टडी और ये दैनिक जागरण प्रयागराज संस्करण में छपी हुई खबर है जिसे आप देख सकते हैं। ये मुख्य पृष्ठ पर ही छपा हुआ है और डेट है 14 मई 2019। अब चलिए खबर हम आपको एक तरफ से दिखाते चलेंगे, आप लोग भी यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कर दिया कि पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीईटी 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने कहा कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का मामला सिर्फ दाखिले के समय में आता है। और आगे देखिएगा, पीठ ने कहा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता, या पूरी तरह से गलत अवधारणा है कि सीटीईटी सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है। आरक्षण का सवाल तो दाखिले के समय उठेगा। याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडे और अन्य की वकील ने 7 जुलाई 2019 को होने जा रही 2019 की अधिसूचना का हवाला दिया। इस पीठ आगे देखिएगा, इस पर पीठ ने उलट कर पूछा, परीक्षा की अधिसूचना अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को भी किसी प्रकार का आरक्षण नहीं प्रदान करती, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ही नहीं, बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या फिर जो आरक्षण की योग्य यानी कि जिनको आरक्षण मिलता आ रहा हर जगह, उनको भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। पीठ ने पहले तो उक्त टिप्पणियों के साथ याचिका खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ता के वकील ने जब इस मामले पर विचार का आग्रह किया तो अदालत ने 16 मई को सुनवाई के लिए तैयार हो गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वह गरीब तबके से आते हैं और सीटीईटी 2019 के अभ्यर्थी हैं। और आगे देखिएगा, याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई ने 23 जनवरी 2019 को सीटीईटी 2019 के लिए एक विज्ञापन जारी किया है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तैयार आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इसलिए जैसे एक विज्ञापन, मतलब कि इस विज्ञापन में दूसरे आरक्षित वर्गों एससी एसटी एवं ओबीसी को लाभ देने की बात कही गई, वैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए जिसमें केंद्र सरकार की मंशा पूरी हो सकेगी और गरीबों को इसका लाभ मिल सकेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कतई होने नहीं देगी, समझ गए ना। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। ये खबर आपके काम की लगी, इस तरह की और भी स्टडी से संबंधित न्यूज के लिए कृपया पीवीआर स्टडी को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें, मैथ और इन्वायरमेंट की स्पेशल क्लास आप पीवीआर स्टडी के साथ कर सकते हैं सीटीईटी 2019 के लिए, जो कि हर दिन होती है। आप इसे लाइव देख सकते हैं कहीं से भी और कभी भी। किसी प्रकार की हेल्प के लिए आप निसंकोच कमेंट करें इस वीडियो में। इसके अलावा आप इस टेलीग्राम नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन कॉल करके भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस लाइव को लाइक अवश्य करिएगा, लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।